I played pool, but I just had two shots, and on my second shot I potted. I think we are blessed to have a beautiful neighborhood. बहुत स्वाद है यार. तो गाइस कल है मेरा एक इंटरव्यू. बस गाड़ी में बैठ गई हूँ मैं, क्योंकि बाहर ना बहुत सारे लोग खड़े थे, तो मुझे लगा कि कैसे हैं सब लोग. एक्चुअली गुड मॉर्निंग नहीं है, गुड आफ्टरनून हो चुकी है. तो वेलकम टू अनदर ब्लॉग. मैं जा रही हूँ अबीर को हॉलीडे क्लब से लेने. सौरभ कर रहा है अपनी कॉल्स ऊपर. आज दिन की शुरुआत थोड़ी लेट हुई है, मतलब कि घर में तो दिन की शुरुआत हो गई थी. बहुत सारे काम करे हैं मैंने, कपड़े वपड़े धोए हैं, घर वर ठीक करा है, अपना ब्लॉग एडिट करा है. लेकिन हाँ, ब्लॉग बनाना मैंने थोड़ा सा देर से शुरू करा, क्योंकि आज मुझे बहुत सारी चीज़ों की तैयारी करनी है. कल बहुत ही स्पेशल दिन है मेरे लिए, तो बस उस चीज़ों को लेके मैं बहुत सारे फॉर्म्स भर रही थी, कुछ लोगों से बातें कर रही थी फ़ोन पे. तो क्या है वो धीरे धीरे आपको इस ब्लॉग में पता लगता रहेगा. शाम के 4 बज रहे हैं, दोपहर के 4, और मुझे जाना है अबीर को पिक करने. सौरभ करना है अपनी कॉल्स, तो जल्दी से निकलते हैं और अबीर को लेके आते हैं. हेलो, आई एक्चुअली यू नो यू पिक मी अप एंड आई हैड टू गेट माय टी-शर्ट. उतारी क्यों पूरी बाजू वाली? बिकॉज़ इट वाज सो हॉट एंड I'm sorry. I played pool, but I just had two shots, and on my second shot I potted. Oh, lovely! And it was a trick shot. It was like I thought that the yellow ball was gonna go in, but it bounced off the wall, and the red one got in. It was so nice. And your teacher told me that you won Monopoly today against two adults. Yeah, three adults. Three adults. My God! आप ये बंद कर देंगे जरा, please, kindly close it. Money. My money, your money, everybody's money. तुम अपने 10 पैसों के लिए पापा की तरफ पैसों पैसों में जान है तुम्हारी. अच्छा, सीट बेल्ट कौन बांधेगा? जल्दी से बांधो. अभी the way you put your uniform and everything at the back, now that's not done. Mommy, it's not a uniform. I know it's not a uniform. I mean to say the clothes. Mommy, सारे कपड़े पहना के भेजे थे कि सर्दियाँ आ गई हैं, सब कुछ जैकेट पूरी बाजू की टी शर्ट सब उतर गई है. पता नहीं बेटे कौन कौन जा रहा है रग्बी. Yeah, Matt is also coming. I don't know, बेटा. Daniel coming. तुम्हें कहाँ नहाने चले जाओ? Darling, we have taken the shower. We have got ready all. सच में ले लिया तुमने शावर? तो महावीर जयंती थी कुछ दिन पहले, तो मेरे नेबर्स हमें प्रसाद देने आए थे, और वो लेकर गए हैं मोती चूर के लड्डू, और मेरे फेवरेट हैं ये. प्रसाद आया, चलो सौरभ को खिलाते हैं जल्दी से. आई थिंक वी आर ब्लेस्ड टू हैव अ ब्यूटिफुल नेबरहुड, तो कुछ ना कुछ हमारे नेबरहुड में होता ही रहता है. सौरभ कहाँ पर हो? मेरे मेकअप किट यहाँ पे पड़ा हुआ है भाई. तुम अभी अभी के कमरे में? हाँ बेटी बोल. हाँ बेबी कहाँ थे? बेबी वो ना साथ वाले प्रसाद देकर गए हैं, महावीर जयंती थी ना, तो लड्डू का डब्बा देके गए हैं. मैंने आधा खाया, तू भी ले ले. बहुत स्वाद है यार. सो जाओ. सारे इंसान के साथ मेरा मुंह पता क्यों बना है? मेरे दिल को कुछ होता है, कोई मेरे बेड को कुछ कर देता है ना. क्या हो गया तेरे बेड को? सोना है यार अब तो वैसे भी. नहीं सोना नहीं है. लड्डू खाई जा बस. बहुत स्वाद है. ज्यादा मैंने अपनी प्रेगनेंसी में कितने लड्डू खाए हैं. अरे तेरे को लगता है कि तेरे को लगता है जितना खाएगी उतना भारी बच्चा पैदा होगा, मतलब कि उतना चबी बच्चा पैदा होगा. मेरे को ऐसा कुछ नहीं लगता था. मुझे लगता था कि अगर मैं नहीं खाऊंगी मैं बेहोश हो जाऊंगी, और मैंने इतने लड्डू खाए कि एंड ऑफ द डे आई बिकेम अ लड्डू. कोई बात नहीं यार, प्रेगनेंसी में सब माफ है. जो जो प्रेग्नेंट है
सब खाओ, जो दिल करता है वो खाओ, ठीक है। वैसे ये ब्लॉग प्रेगनेंसी के बारे में नहीं है, बट अभी बात अगर हुई है तो दूर तक जाएगी, ऐसा बोलते हैं ना। एनीवेज ना, हम अकेले लड्डू क्यों खाएं, ये बंदा भी खाएगा। मुंह मीठा करो जी, मैं क्या जी सकते हूँ, ऐसे ऐसे बेड पे बैठ के कुछ अलाउ नहीं कर दिया। वेरी गुड। तो गाइज अब हम आपसे मिलेंगे मॉर्निंग में, क्योंकि रात के बज रहे हैं 10। हाँ, मैं और अबीर मिलेंगे, और कल एक बहुत ज़रूरी काम है जो मैंने आपको ब्लॉग की शुरुआत में बताया था। तो एक मिनट, मैं कैमरा रख देती हूँ। यार ये सब सराहने में उधर रखती हो, तुमने तो, तुम तो बस बैठ जाते हो, लेट जाते हो। कल की तैयारी होगी सारी? हाँ, अभी सूट नहीं निकाला, सूट देख रही हूँ कौन सा पहनना है। बहुत दिनों बाद फॉर्मल्स पहनूंगी ना। है कहाँ जा रही हो, बता दिया? नहीं अभी बताया। तो गाइस कल है मेरा एक इंटरव्यू, और वो इंटरव्यू किस चीज का है, क्या है, ये तो मैं आपको थोड़ा बहुत कल बताऊंगी। मैं आपको अपने साथ लेकर चलूंगी, और आई होप कि काम बन जाए। थोड़ी सी टेंस हूँ मैं, इसीलिए आज ब्लॉग की शुरुआत देर से हुई थी, क्योंकि मैं बैठ के बहुत ठीक होगा, ऐसे कुछ टेंशन की बात नहीं, आई होप एवरीथिंग विल गो वेल। अरे अब सो जाती हूँ, मैं चेंज करके आती हूँ। तुम्हें सुबह कितने बजे निकलना है? 6 छह बजे तुम घर से निकल जाओगे, 6 बजे की ट्रेन है। 6 बजे निकल ठीक है, तब तक तुम उठ जाओगे। बता देना परांठे बना दो, सुबह लूंगी साथ में, बांध के दे देना। बांध देंगे, हमारा क्या है, गोरिया ने भी खिला देना। कल कहना मैं करो रोटी लेके आया, कब कोई तकलीफ ना करे, क्रोसॉन दी या पैनो चॉकलेट दी, मैं करो रोटी लेके। चटाई भी ले जाओ साथ में, बिछा के कहीं भी खा लिया। पता है कितनी बड़ी बात हो जाएगी, अगर तू चटाई ले जाए काम पे, चटाई बिछा के तू गोरो के साथ बैठ। मैं चटाई और एक हाथ में रोटी, खेतों में जा रहा हूँ काम करने। वो काम भी ना बहुत बड़ा होता है, वो काम होता ही है। यहाँ अगर तुम फार्मर हो तो वैसे ही बहुत अमीर। एग्जैक्टली, यहाँ अगर आप फार्मर हो ना, सीरियसली चांदी चांदी है थोड़ी। एनीवेज गाइस मैं सोने जाती हूँ, आपसे मिलती हूँ मॉर्निंग में। गार्डन में संभलता नहीं है, फार्मिंग करेंगे। चलो कह रहा गार्डन में, सच्ची बात है यार, फार्मर्स माय गॉड, सैल्यूट टू देम। हम सुबह एक छोटा सा गार्डन नहीं संभलता, स्लग्स स्नेल्स ड्रामे, सो तरह के ड्रामे होते हैं मेरे तो। एनीवेज गाइस अभी के स्टाइल में अभी के लिए है पीस, और आपसे मिलते हैं मॉर्निंग में। Peace. Good morning, guys. So I am going to Manu Farm again. So yesterday I went to Manu Farm and today I'm going again. So that's all work for me. Do you want to take something to Manu Farm? Any toy or anything? On Friday, guys, you know it's my third to last day for school. Next week I'm going to school. Starting a new class also. Yes, I'm going to new class. Year 3. But there's no clubs on the first day. There might be lunchtime clubs. No, like I have Monday clubs, but it won't be on the first day. It might be lunchtime clubs. But, so guys, on Friday I'm having my early rugby practice. You saw my rugby shirt. It was so good. I have a rugby ball in my garden, which my friend gave me for my birthday. Yeah, it is lying in the garden. Yeah, I think I should practice with this. Yeah. On rugby. Okay, shall we go now? Okay, let's go to Manu Farm. Hello. So guys, बस अबीर को मैं छोड़कर आ गई हूँ उसके हॉलीडे क्लब, और तैयार हो रही हूँ अपने इंटरव्यू के लिए। लेकिन एक नुकसान हो गया है, मैंने आज कल ना नुकसान पे नुकसान हो रहे हैं। जो लोग मुझे बहुत शुरू से फॉलो कर रहे हैं उनको याद होगा, मैं जब अपने ऑफिस जाती थी तो मैं एक फॉर्मल सूट पहना करती थी जो सबको बहुत पसंद आता था, और मुझे बहुत डीएम्स भी आते थे उसके लिए। वो मैंने न्यू लुक से ख़रीदा था, और उसकी ये जैकेट है उस सूट की, एक फॉर्मल वेयर है, और मैंने सोचा था आज भी मैं यही पहन के जाऊँगी। बट आप लोग देख सकते हैं कि अभी अभी ये जल गया प्रेस से। आई थिंक मैं ना स्क्रीन में देख के बात कर रही हूँ, लेकिन कैमरा इधर है, आप देख सकते हो ये जल गया प्रेस से अभी अभी। ऑनेस्टली मुझे बहुत दुख हो रहा है, क्योंकि आई गेस आप लोगों को तो मालूम ही है मुझे अपने कपड़ों से बहुत प्यार है। और सो अब प्लान चेंज करना पड़ेगा, अब मुझे कुछ और पहनना पड़ेगा फॉर्मल। चलो करते हैं जल्दी से।
तो हे गाइस, मैं रेडी हो गई हूँ और जा रही हूँ अपने इंटरव्यू के लिए. फिंगर्स क्रॉस, आई होप कि इंटरव्यू अच्छा चला जाए. आज बहुत दिनों के बाद मैंने फॉर्मल्स पहने हैं. आई एम नॉट श्योर कि आप मेरा पूरा लुक देख पा रहे हो कि नहीं, बट अभी चलते हैं क्योंकि 30 मिनट्स हैं और घर से सिर्फ 15 मिनट ही दूर है और मुझे गाड़ी भी पार्क करनी है और ठीक 2 बजे मेरा इंटरव्यू है. सो लेट्स गो गाइस. तो गाइस, मैं अपनी डेस्टिनेशन पे पहुंच चुकी हूँ. मेरे पीछे ही बिल्डिंग है जहाँ मुझे जाना है और मेरा वहाँ पे इंटरव्यू है. सो विश मी बेस्ट ऑफ लक, इंटरव्यू के बाद मिलते हैं. Hi. He has given me this. I've got an interview at 2 o'clock. Okay, so it's 4W13. So you're just gonna follow that corridor down there. So I'm looking for my interview room, jo ki hai W13. तो हाँ जी जी, मेरा इंटरव्यू हो चुका है और इंटरव्यू बहुत अच्छा हुआ है. तो इंटरव्यू के 2 राउंड हैं, एक राउंड था आज और एक राउंड है फ्राइडे को. तो पहले मैं ना गाड़ी में बैठ जाती हूँ. तो बस गाड़ी में बैठ गई हूँ मैं क्योंकि बाहर ना बहुत सारे लोग खड़े थे, तो मुझे लगा कि कई बार लोग हो जाते हैं, एक्साइटेड हो जाते हैं कि कैमरा ऑन है, क्या हो रहा है. एंड समटाइम पीपल आर पासिंग बाय, दे डोंट लाइक टू कम इन द वीडियो. तो मैंने कहा चलो अपनी गाड़ी में बैठ के बात करते हैं. तो इंटरव्यू के 2 राउंड से आज एक राउंड हो गया है, एक राउंड है फ्राइडे को और मेरा इंटरव्यू बहुत अच्छा हुआ है. ये इंटरव्यू क्या है, किस लिए है, ये सब कुछ आपको बहुत जल्द पता लग जाएगा. जो लोग मुझे बहुत टाइम से फॉलो कर रहे हैं, जिन्होंने मेरा Q&A व्लॉग देखा है, आज तक मेरा एक ही Q&A व्लॉग आया है वो है ये वाला. तो जिन्होंने मेरा Q&A व्लॉग देखा है, दे नो दैट कि मैंने अपनी फुल टाइम जॉब क्विट कर दी थी और मैं कुछ नया करना चाहती थी. क्या है वो नया, कैसे होगा, क्या क्या होगा, ये सब कुछ आपको पता लगेगा. तो बस उसी चीज के लिए मैं यहाँ पर आई थी और मैं अपना इंटरव्यू दिया है मैंने आज. एंड माय इंटरव्यू वेंट रियली गुड. एक्चुअली आई एम वेरी प्लीज, फर्स्ट टाइम एवर. मैं सौरभ जब ये व्लॉग देखेगा ना हंसेगा, कहेगा सच में, मतलब प्रीति सूरी अच्छा काम होने के बाद भी ना चिंता करती रहती है जब तक 100% रिजल्ट ना आ जाए. बट आई एम वेरी वेरी प्लीज्ड विदाउट इवन नोइंग द रिजल्ट. सो होपफुली फिंगर्स क्रॉस की सब कुछ अच्छा हो. फ्राइडे को मुझे एक बार और आना है. होपफुली सैटरडे को या संडे को मैं आपको सारी इन्फॉर्मेशन दे दूंगी. अभी मैं इस ब्लॉग का करती हूँ यहीं पे एंड और आपसे मिलूंगी नेक्स्ट ब्लॉग में. अभी मैं जा रही हूँ घर, फटाफट से पिक कर रही हूँ अबीर के कपड़े क्योंकि अबीर की है एक छोटी सी सर्जरी. तो घबराइए मत, जो भी वो सर्जरी है वो आपको मेरे कल के ब्लॉग में पता लग ही जाएगा. और फिंगर्स क्रॉस वो अच्छी जाए. सौरभ टाउन में नहीं है, वो अपने काम के सिलसिले से बाहर गया हुआ है. सो ही इज इन डाबी और होपफुली अभी मुझे पता है बहुत अच्छा बच्चा है और वो पूरा कोऑपरेट करेगा और सब कुछ अच्छा हो जाएगा. मैं आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में. अगर आपको ये वाली वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज इसे लाइक जरूर कीजिएगा और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब टू द चैनल. मेरी पता गाड़ी ने भी टिंग बजा दिया है सब्सक्राइब पे. थैंक यू, वेल डन. एनीवेज गाइस, बाय, लव यू ऑल, सी यू वेरी सून, बाय बाय. तुम तेरी